अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक, यहाँ है टी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीपवेल, मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया गया था कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 4 महीने पहले एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ कार्य कर रहे हैं फ्रेशर्स, उनके लिए अचानक से बॉन्ड लागू कर दिया गया था। जबकि जब उन्होंने यहाँ PG में एडमिशन लिया था तब कोई बॉन्ड नहीं था और न ही कोई पालना कराई जाती थी। अभी हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो वर्तमान बैच चल रहे हैं कम से कम उनके लिए बॉन्ड को ख़त्म किया जाए, जिससे वो जो ये सोचकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था उसी सोच के साथ उनका मेडिकल कॉलेज से वो विदा ले सकें। और दूसरा, जो सरकार ने अभी एक और विवादित ऑर्डर निकाला था जिसमें जो इन सर्विस डॉक्टर हैं उनको SRSIP से वंचित किया था। अगर इन सर्विस डॉक्टर SRSIP नहीं कर सकेंगे तो इन सर्विस डॉक्टर सभी राजस्थान के होते हैं जो राजस्थान में ही अपनी ज़िंदगी भर रहकर सेवाएँ देते हैं। अगर इन सर्विस डॉक्टर SRSIP नहीं कर सकेंगे तो वो मेडिकल कॉलेज में, जो नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो राजस्थान सरकार की योजना है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप राजस्थान के डॉक्टर्स को ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करने से मना कर रहे हो तो वहाँ पे कहाँ से नए डॉक्टर आएंगे, कहाँ से वो कौन बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे? और इसी प्रकार ये हमारा काफ़ी दिनों से सरकार से बातचीत भी चल रही थी पत्रावली के माध्यम से, और जो हमारे जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो मिलके भी आए थे, लेकिन कोई कारगर समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद में हमने काफ़ी दिनों तक काली पट्टी बांध के भी कार्य किया लेकिन कोई बात नहीं बनी। उसके बाद में जयपुर में काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और उसी के साथ आज हम भी सुबह के 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें मरीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी इमरजेंसी सेवाएँ बंद नहीं की गई है, रूटीन सेवाएँ बंद की गई है। बॉन्ड में ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनका विरोध कर रहे हैं? बॉन्ड में जो शर्तें हैं उसके अनुसार जो भी रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ से पास आउट होगा उसे 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा, और जो अभी बैच पास आउट हुआ है उसको 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया है लेकिन अभी तक उनको रोज़गार नहीं मिला है। जब आपको डिग्री मिल गई है तो आप रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हो? अगर बॉन्ड लागू भी करते हो तो आपको ये गारंटी देनी होगी कि पहले दिन से उनको रोज़गार मिले। आपका नाम? डॉक्टर अभिषेक आर्य, प्रेसिडेंट, जयनगर, अजमेर।